वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विस्डम ऑफ लॉ। सो गाइस, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि एफआईआर होने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है आपके साथ, और एफआईआर में का जो होने के लिए जो सेक्शन है उसका, सीआरपीसी की जो सेक्शन है कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का 154 के तहत एफआईआर दर्ज होता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ जो बेसिक चीज़ें जो मेंशन होना चाहिए ये चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैं एफआईआर के बारे में, एफआईआर होता क्या है, कितने तरह के एफआईआर होते हैं वो मैंने डिस्कस कर चुका है, एक प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है एफआईआर को रजिस्टर कराने के लिए, लॉन्च कराने के लिए, वो सारी चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, आज जो आपको मैं बताने वाला हूँ, जो कि मैं क्लियर कर चुका हूँ कि एफआईआर होने के बाद क्या होता है, और 154 के सीआरपीसी में जो एफआईआर डिफाइंड है तो उसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ मैं आपको जो मेन चीज़ है वो बताऊँगा। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना वीडियो अच्छे लगे तो। इन्फॉर्मेशन बहुत है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अब तक हाइड रखा हुआ है, कुछ नया चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि समझ में अच्छे तरीके से, जस्ट लाइक मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ एज अ लीगल एडवाइज़र। तो आपको जो है एफआईआर के बाद पता होना चाहिए प्रोसेस क्या है। तो सिंपल प्रोसेस जो होता है एफआईआर रजिस्टर होने के बाद, देखिए तो एफआईआर रजिस्टर होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, याद रखिएगा एफआईआर जो रजिस्टर होगा क्रिमिनल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है वहाँ पर एफआईआर रजिस्टर होता है। आफ्टर दैट जो होता है पुलिस ऑफिसर का काम होता है कि वो एक्यूज्ड को अरेस्ट करने का। तो जैसे ही अगर आप क्रिमिनल नेचर जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, ठीक है, तो वैसे में पुलिस ऑफिसर कभी भी उस अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। तो एफआईआर होने के बाद गिरफ्तार का काम आता है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करता है, गिरफ्तार करता है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, अन-एक्यूज्ड पर्सन को गिरफ्तार करने का शुरू करता है, और गिरफ्तार करने के बाद, अरेस्ट करने के बाद उसको विद इन 24 आवर्स जो है बिफोर दी मजिस्ट्रेट के सामने से प्रेजेंट करेगा, ठीक है, 24 घंटे के अंदर में। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा, इस चीज़ का वॉयलेशन किया जा रहा था राइट्स का, कि 24 घंटे के अंदर पुलिस ऑफिसर जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, ठीक है, पहले के ज़माना में था, लेकिन अब आपको मैं बता दे रहा हूँ पुलिस ऑफिसर को ये मैंडेटरी है कि वो जो है 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे, और ज़्यादा अगर 24 घंटे से ज़्यादा अगर रखता है पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले आपको, तो वो इलीगल डिटेंशन होगा, वो गलत तरीके से आपको पुलिस वाला डिटेंशन करके थाने में रखेगा। तो उसके पास, पुलिस अधिकारी के पास ऐसा कोई राइट्स नहीं है कि 24 घंटे के सामने अधिक रखेगा। अगर मान लीजिए 24 घंटे के अंदर आपको प्रोड्यूस नहीं कर पाता पुलिस ऑफिसर, तो उसको एक पूरा रिटर्न में एक जेन्युइन रीज़न देना होगा कि उन्होंने 24 घंटे से ज़्यादा समय आपको क्यों रखा, ठीक है ना। अपराधी को पकड़ते कहीं दूर तक चले जाते हैं तो वहाँ पर टाइम लगता है, तो एक पुलिस ऑफिसर को एक स्पेस रीज़न लिखना होगा कि आप 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट क्यों ना कर पाएँ। और जहाँ वो बात की बात है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, पर अभी मैं फोकस कर रहा हूँ मेन चीज़ पर ऐसा। तो पहला चीज़ है, उसके बाद एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट में जो गैदर इन्फॉर्मेशन करना है, उनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करना है एफआईआर रजिस्टर होने के बाद। आफ्टर दैट उनको जो विटनेसेस होंगे उनको क्या करेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम द विटनेस से रिलेटेड टू ऑफेंस, एंड वो कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे एविडेंस, ठीक है। उसके बाद क्राइम सीन पर विजिट करेंगे, क्राइम सीन जहां पर क्राइम कमिटेड हुआ है तो पुलिस ऑफिसर वहां पे क्राइम विजिट करेगा। उसके बाद वहां पर जितने भी लोग हैं उनसे मिलेगा पुलिस ऑफिसर, मिलेंगे, बात करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है सारा एविडेंस सब कुछ कलेक्ट होने के बाद उसमें ड्यूरिंग अ प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक साइंस वहाँ पर भी, वो फॉरेंसिक साइंस का वहाँ पर अहम रोल आता है, फॉरेंसिक साइंस जहाँ पर वो टेस्ट करेगा साइंटिफिकली, जो साइंटिस्ट होते हैं उसमें विटनेस जो है उसको एग्जामिन करेगा, साथ ही साथ जो ब्लड होंगे, सैंपल होंगे, ठीक है, बाल होंगे, डीएनए टेस्ट करेंगे, वो सारा चीज़ कौन करेगा, फॉरेंसिक साइंस जो कि साइंटिफिक साइंटिस्ट होते वो करते हैं। उसके बाद जो है और सारा चीज़ को जितने पुलिस ऑफिसर जितने भी सारे एविडेंस को कलेक्ट करेंगे उसको एक पेपर में नोट डाउन करेंगे, सारा चीज़ को वो रिकॉर्ड करेंगे, और उसके अदर थिंग भी जो है वो सारी चीज़ को रिकॉर्ड करके रखेंगे, ओके ना। तो ये तो हो गया। उसके बाद अब होता है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद, तो पुलिस ऑफिसर का काम ये होता है कि सारा इन्वेस्टिगेशन वो विद इन अ
60 या 90 डेज़ में वो कंप्लीट कर ले, ठीक है, 60 या 90 डेज़ में, तो वो जो है क्राइम के नेचर पर डिपेंड करता है और ये चीज़ डिफाइंड है सीआरपीसी के सेक्शन 167 पे वो डिफाइंड किया गया है ऐसा। तो ये चीज़ पुलिस ऑफिसर का काम होता है कि वो, और ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेशन आगे भी बढ़ सकता है, ठीक है, आगे मतलब कि डेट एक्सटेंड हो सकता है, वो क्राइम जो है उसके ऑफेंस पे जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है कि वो इन्वेस्टिगेशन जो है ज़्यादा भर सकता है। लेकिन जो लिखा गया है सीआरपीसी में वो है कि आपको 90 डेज़ के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं, उसके अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है। उसके बाद भी अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है तो आपको प्रॉपर परमिशन लेना होगा मजिस्ट्रेट से एक्स्ट्रा डेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो पुलिस अगर मजिस्ट्रेट को लगता है तो ग्रांट कर सकता है, 180 डेज़ का रिलीफ दे सकता है पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के। तो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं वो पुलिस ऑफिसर करता है। और ये जो है 90 डेज़ में और 60 डेज़ में और 180 डेज़ में आप चार्जशीट फाइल करना होता है। चार्जशीट दैट मीन्स वो सारे चीज़ वहाँ पर आपको कलेक्टिवली एक साथ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगा अबाउट द क्राइम, ऑफेंस, विटनेस, सारे चीज़ वो आपको वहाँ पे सारा चीज़ पुलिस ऑफिसर सौंप देता है थाने में, मतलब मजिस्ट्रेट को सौंप देता है पूरा सब चीज़ ये उस क्राइम से रिलेटेड। उसके बाद पुलिस का काम ख़त्म हो गया। पुलिस को तभी बुलाया जाएगा जब विटनेस, क्योंकि पुलिस भी अपने आप में एक विटनेस होती है, तो जब ट्रायल चलता है तो पुलिस ऑफिसर आती है अपना गवाह वगैरह वो खुद देती है, ठीक ना। तो इतना काम होता है पुलिस ऑफिसर का FIR होने के बाद, ठीक ना, FIR होने के बाद। तो उसके बाद ट्रायल चलता है, तो ट्रायल का काम है पुलिस वाले का नहीं, मजिस्ट्रेट जुडिशियल ऑफिसर का काम है, जुडिशियरी का काम होता है न्याय देने का, इतना ही काम होता है पुलिस ऑफिसर का, ठीक है, किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए। उसके बाद मैं बता देता हूँ कि अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि 154 सीआरपीसी के अंदर जो है FIR रजिस्टर किया जाता है। जहाँ पे मेन चीज़ मैं बता देता हूँ जो छूटना नहीं चाहिए, तो ये ऑफेंस जो आपका, जो बता देता हूँ कि रजिस्टर जो होगा FIR जो होगा वो क्रिमिनल ऑफेंस होगा तभी FIR दर्ज होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा होगा कि जो आप इन्फॉर्मेशन दोगे क्राइम के बारे में, या ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तीसरा जो होता है कि आप पुलिस ऑफिसर वही लिखेगा जो कि आप बोलोगे, अपने से एक्स्ट्रा एडिशन कुछ नहीं करेगा, और जो डिक्टेट करोगे तो डायरेक्शन होगा और विक्टिम का, उसी हिसाब से वो FIR को रजिस्टर करने के बाद, क्रिमिनल चार्जेस लगाने के बाद वो आगे का प्रोसेस करेंगे। आफ्टर दैट वो जितने भी इन्फॉर्मेशन जो आपने लिखाए हैं उसके पढ़ को सुनाना है, सारे सच पढ़ेंगे पुलिस ऑफिसर कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो क्या क्या लिखे हैं, पुलिस ऑफिसर आपको पढ़ के सुनाएगा या खुद आप पढ़ सकते हो। उसके बाद ही आप साइन करोगे वहाँ पे, आपको साइन करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है वहाँ पर, ओके। लास्ट जो है आपको वो सारे चीज़ जनरल डायरी में रजिस्टर करेगा वो सारे चीज़ें सा। तो ये 154 का सीआरपीसी में ये जो मेन चीज़ था मैं आपको बता दिया। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि आफ्टर लॉज ऑफ FIR के बाद क्या प्रोसेस होता है वो मैंने आपको बताया, साथ ही 154 सीआरपीसी के अंदर क्या क्या चीज़ जो मेन चीज़ है जो मैंने डिस्कस किया। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया जानकारी मिला होगा। तो FIR से रिलेटेड में सारा चीज़ शेयर कर दिया बातें, और भी कुछ होगा अगले वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे कि FIR पुलिस ऑफिसर रजिस्टर नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो हमारे लिए अप्रोच करेंगे, तो उसके लिए वेट करेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है वीडियो।